सो जय श्री राम दोस्तों। भाई एक तो हेलमेट नहीं, ऊपर से बिना देखे चले जा रहे हैं। हाँ अच्छा, दोबारा से जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे। आज भाई बड़े टाइम बाद धूप निकली है। आसमान देखो यार, पूरा एकदम साफ नीला सफेद। बड़े टाइम बाद देखे यार। अभी तो कुछ टाइम से चंडीगढ़ में तबाही मची हुई थी। चंडीगढ़ क्या, हर तरफ तबाही मची हुई थी, बरसात बरसात और बरसात। तो पहले तो बता दूं मैं जा कहाँ रहा हूँ, आज का जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल एक ही जगह चला, वो जा रहा हूँ थम्पर्स कैफे। और वहाँ तनुज भाई पहुँच गए और मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं समझदार लोगों की पहचान। हमने नहीं देखना भाई कौन आ रहा नहीं आ रहा, हम तो चलते रहेंगे। तो चलो थम्पर्स कैफे जा रहा हूँ। तो कारण क्या जाने का कि वहाँ पर अपने लगवाना है अपनी बाइक पे चैन सेट, अपनी बोले तो इंटरसेप्टर के ऊपर चैन सेट लगवाना है। और वो मैं दिखा देता हूँ कौन से वाला लगवाना है, वो वहाँ पहुँच के दिखाऊँगा। कल ही भाई घर पर पहुँचा है, ठीक है, ऑर्डर किया था। तो थम्पर्स जाएंगे, चैन सेट लगवाएंगे और थोड़ा सस्पेंशन का काम भी है और बाकी बातें भी करेंगे। लो भाई छाँव आ गई, लगता है बुरा मान के मौसम। तो मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसे ही चलने में लगा हुआ मौसम, कभी छाँव कभी धूप, कभी छाँव कभी धूप। पर बड़े टाइम बाद आई है धूप यार। हर तरफ ना, मैं सही बताऊँ तो बुरा हाल हो रखा है मौसम की मार की वजह से। अब हाल क्या रखा है, बेहाल हो रखा है भाई। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी लुधियाना हाईवे की कि भाई कैसे बारिश हो रखी है, बारिश ने आतंक मचा रखा है पूरे हाईवे में और पंजाब के बुरे हाल हो रखे हैं। हर तरफ घर डूबे हुए हैं, खेतों के नुकसान हो गए हैं। बस प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक रहे जिनका नुकसान हुआ है यार। अब प्रार्थना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे बस में और कुछ है भी नहीं है। तो जो अगर प्रार्थना लग जाए किसी को तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो सभी करें यार, क्योंकि हर तरफ नुकसान होने में लगा हुआ है। आप लगा लो मनाली देखो यार, मनाली में क्या तबाही आई है। मेरे को बड़ा दुख है यार लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं। जो भगवान सब कुछ शांति बनाए रखे। तो हाँ, तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, अभी ट्रैवल अवॉइड करो मनाली की तरफ। हमारा ही प्लान था राइड का अभी, और क्या ही बोलूँ, बड़ा तगड़ा पोपट हुआ यार ये वाला। जो हाल हुआ ना मनाली में, रोड ही गायब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। तो इस बारे में भी करेंगे बात, पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई ट्रैवल अवॉइड करो इस टाइम पे, क्योंकि भाई मौसम का कुछ नहीं पता। थोड़ा टाइम वेट कर लो, थोड़ा टाइम से 10-15 दिन देख लो, वेट कर लो। क्योंकि मुझे पता है लोगों को यार साल में एक बार ही मौका मिलता है ले जाने का, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। डोमिनर की सर्विस भी आने वाली है, क्योंकि भाई अब चलाते हुए ना पता लग रहा है कि 1500 किलोमीटर रह गए सर्विस आने को। दो सर्विस हो चुकी है, थर्ड सर्विस आनी है बाइक की। ऑटो वाले का इंडिकेटर भाई लेफ्ट का है और चले सीधा गया। चलो सीधा थम्पर कैफे मिलते हैं, पहुंच गए भाई अपन थम्पर्स। सो भाई थम्पर्स अपन एंटर कर गए हैं। तो भाई चैन सेट दिखाता हूँ भाई, बहुत बारी है ये रहा, ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इंटरसेप्टर के लिए, और चैन सेट कौन सा अपना ब्रास वाला है रोल ऑन का, तो वो ऑर्डर किया हुआ है। तो एक बार दिखा देता हूँ, तो ये वाला चैन सेट अपन ने इंटरसेप्टर के लिए ऑर्डर किया था, ठीक है। और डिफरेंस देख लो यार, ब्रास कोटेड है, ठीक है, रस्ट का हो गया, वेरिएंट ईयर का हो गया, सब चीज़ों का फ़र्क है। और प्लस स्ट्रेंथ अच्छी खासी है चैन सेट की, और जो अपन को आवाज़ आती है ना चैन सेट से, वो आवाज़ नहीं आएगी। तो लगवाते हैं बाइक के ऊपर यार। बाहर जाके ना एक चीज़ दिखाता हूँ, बढ़िया सा मोटरसाइकिल क्लासिक भैया ने बहुत अच्छा तैयार कर रखा है, और इतना नीट ओरिजिनल पेंट है और नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। पहले तो भैया से मिलवा देता हूँ इनका है, ठीक है, और ओरिजिनल कंडीशन रखा हुआ है। ये देखो क्लासिक कितना सुंदर तैयार कर रखा है यार।
लाइट्स ऑन करके मजा आएगा भाई। हाँ हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो करूँगा इसका, बहुत सुंदर होगा। और सही बताऊँ यार, ओरिजिनल पेंट है इसका, 7 का पेंट है ये वाला बाइक का। और भाई 2011 मॉडल है ना, 2011 मॉडल है यार, कौन बोल सकता है, कोई देख के नहीं बोल सकता। 500 जो ऐसी है ना, इतनी प्यारी प्यार है, बहुत सुंदर लग रहा है मौसम यार। लाइट्स का देखो, ये सेटअप ना अब नहीं आता, जो ये वाला सेटअप है लाइट का, ये अब नहीं आता है, पहले आता था। बहुत सुंदर लग रही है हेडलाइट्स भैया। भैया ने 2011 से रखा हुआ बाइक है और पूरा मेंटेन किया हुआ भाई, जो सामान लगा हुआ है ना, आई थिंक 2011 से लगा हुआ है, 2011 का ही ये सारा सामान लगा हुआ है। और एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे बढ़िया भाई, ये चीज़ बैटरी सेवर, ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी। लाइट्स के साथ देखो यार, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है ये, हमारे द्वारा से मिलवाया था मनीष भाई से, अभी आए हैं, अपना चांद सा चेहरा लेके। तो अच्छा, हिमालयन भाई उनकी अभी यार हिमालयन का काम हो रहा है, देन अपने इंटरसेप्टर लगेगी है ना, हिमालयन के बाद लगेगी। सो ये जो पहले वाला चैन सेट है ना, इसके न बहुत बड़े एल लग चुके हैं, स्प्रॉकेट ऐसा ख़त्म हो चुका है। तो बस इसका अब चैन सेट इसका चेंज करते हैं, ब्रास का लगाते हैं इस पर, जो अपना है रोलन का मंगवा रखा है। देन उसके बाद और इसका यार परफॉर्मेंस रिलेटेड वीडियो बनाना है, जो इसमें चेंजेस किए हैं, फ्यूल एक्स लगाया उस चीज़ का, पहले ये लगा लेते हैं देन कवर करते हैं उसका। स्प्रॉकेट का हाल देखो, निंजा स्टार नहीं बनाता जो, ये रहा निंजा। ये रहा उसका स्टार भाई, क्या हाल कर रखा स्प्रॉकेट का, थोड़ा टाइम और चलाते ना पोपला हो जाता है बिना दांतों के। तो बाइक भाई पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरा साफ हो गया है भाई। स्विंग आर्म निकाल के भैया ने फेंक दिया अलग से, ठीक है, आगे से पूरा चमका दिया अंडे से, वाह, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो बस अपना चेन सेट लगाते हैं, नए जो अपना रोल ऑन का है ब्रास वाला, ये लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई फोटो के लिए यहाँ चढ़ाऊँ, ये देखो भाई थंपर्स अपना, बस मेरा अब चैलेंज है उतरने का, यहाँ से ये नहीं गिरे, गिरेगा तो मेरे ऊपर आएगा सीधा। तो भाई नीचे ऊपर तो आराम से जगह है नहीं पैर निकालने की। सो गाइस, चेन सेट अपना डल चुका, डन हो चुका है। ये रहा भाई रोल ऑन का अपना ब्रास चेन सेट, जो फाइनली लग चुका है इस पर, और गियर लेवल की शिफ्ट पोजीशन भी ठीक हो चुकी है, सब कुछ सेट हो गया है, और अब चला के देखेंगे बाइक को। वो तो भाई अब मज़ा आने है, क्योंकि पहले वाले स्प्रॉकेट की तो लगी हुई थी बुरे वाली। तो बस सबको डन हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ, ND फिल्टर की वजह से काला काला रखा अंदर पूरा। चलो भाई चलते हैं, बाय बाय। काला काला आ रहा होगा एनडी फिल्टर में अभी, ये लगा हुआ है ना बाहर जो लगेगा। ओके बाय बाय, चलो चलो, काम सारा डन हो गया अपना। अब देखो अब ब्राइट उजाला दिख रहा होगा, क्योंकि एनडी फिल्टर लगा था तो उस वजह से ब्लैक दिख रहा है। आज पूरा सनी डे है भाई पूरा। इंटरकॉम ऑन करें, फिर बाइक का सारा काम डन हो गया है, सिर्फ एक दो चीज़ें रह गई हैं जो होने वाली है। एक सस्पेंशन हो गया है, वो देखते एजेंसी दिखाएंगे, और दूसरा है इसका क्या था, दूसरा भूल गया मैं, हाँ ट्यूबलेस का। तो धीरे धीरे हर चीज़ होगी, तो सारा काम तो डन हो चुका है, बस अब घर की ओर चलते हैं, देखते हैं फिर बाइक बाकी जो मैं शूट करूँगा यार बाइक का, परफॉर्मेंस का प्लस चेन का, ये बाद में अपडेट करूँगा। अभी तो चलो इसका फिट हो गया सारा ताम झाम, मेन चीज़ तो वो थी। सो भाई अब व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया, बस घर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद चलते अपने काम पर, और व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और बाकी जो इसका रिव्यू है जितना भी है सब कुछ बाद में डालूँगा। तो करते हैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म दोस्तों, जय श्री राम, बाय बाय एंड टेक केयर।